بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله جل جلاله عم نواله وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا یعنی پانی کی دعا مانگی فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی پتھر کو ماریں فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا تو فوراً اس سے پانی کے بارہ چشمے بہ نکلے قد علم كل اناس مشربهم تو ہر ایک گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی کلوا واشربوا من رزق الله کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت گھومو تم زمین میں مت فساد کرتے پھرو زمین میں مت فساد مچاؤ تَعْصُوا کے معنی بھی فساد کرنے کی نفی نہیں ہے اور مفسدین کا بھی وہی اس لیے آل علم کے نزدیک مفسدین حال تاکید دیا ہے تم مت فساد مچاؤ درآں حال کے تم فساد کر رہے ہو یعنی تم مت فساد مچاتے پھرو فساد پھیلاتے پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ لَن نَصْبِرْ عَلَىٰ طُعَامٍ وَاحِدٍ کہ ہم ایک طعام پر ایک ہی کھانے پر کبھی صبر نہیں کر سکتے فادع لنا ربکا آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگیے گا
कि युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, कि वो हमारे लिए परवरदिगार निकाले उसमें से जो जमीन उगाती है, यानी जमीन की पैदावार हमारे लिए मुहैया फरमाए। मिम बकलिहा व कितिहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, यानी सब्जियां और ककड़ियां और गेहूं और दाल और प्याज। आला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि उन्होंने ये बात कही, यानी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम एक अदना चीज को उस चीज के बदले में मांग रहे हो जो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी चीज के बदले में एक निहायत अदना चीज मांग रहे हो। ए बितु मिस्रन, तुम किसी शहर में उतर जाओ। फइन्नलकुम मा सअलतुम, तो जो कुछ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए वहां मौजूद होगा। वधुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वलमस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और उन पर ज़िल्लत और नादारी मुसल्लत कर दी गई, स्टैंप कर दी गई, और वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, और वो खुदा के गज़ब में फिर आए। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये ज़िल्लत का मुसल्लत किया जाना और नादारी का उनके गले का हार बना दिया जाना, इसका सबब यह हुआ कि कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते थे। वो यक्तुलून नबीयीन बगैर الحق, और अम्बिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को बग़ैर किसी हक के वो शहीद करते थे, कत्ल किया करते थे। ज़ालिक बिमा असब वकानू यअतदून, और ये बात उन्हें इसलिए पेश आई कि वो उन्होंने मासियत की, अल्लाह की नाफरमानी की। वकानू यअतदून, और हद से तजावुज़ किया करते थे। ये इन आयात तैयबात का तहतुल लफ्ज़ तर्जमा है जो मेरी हकीर समझ में आ सका। अब इसका सियाको सबक तो पीछे से मुसलसल चला आ रहा है, यानी जिस वक्त उस कौम से कहा गया था, सहराए सीना से जब वो निकले गए निकले थे, तो उनको कहा था कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन तुम दाखिल होते वक्त सीधा करते हुए और ये कहते हुए दाखिल हो कि मौला करीम हम अपनी खताओं की माफ़ी मांगते हैं। इसमें उन्हें यह बतला दिया गया हुआ था कि सिर्फ बंदगाने खुदा का मौजूद होना ही एक आखिरी बरकत का ज़रिया नहीं, बल्कि जिन जिन राहगुजारों से उनका गुज़र हुआ वो राहगुजारें भी बरकत और तकद्दस का मंबा हैं। ये जो बताया गया कि तुम शहर के दरवाजे से दाखिल हो, इस शहर के दरवाजे में आले इल्म का इख्तिलाफ़ है, जैसा कि मैंने अंग्रेज़ी के लेक्चर में यह बात वाज़े की है, मगर ये कि यह अरीखा शहर है, यह बैतुल मक़दस है। जो तारीख बतलाती है वो तो ये कहती है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से उनका यह डायलॉग हुआ था, उसकी वजह से वो वहाँ से निकले थे, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ये बात हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने न फरमाई हो, बल्कि जनाब यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने फरमाई हो। तो उनके ज़माने में बैतुल मक़द्दस शरीफ फतह हुआ था। अब उनको ये कहना कि तुम दरवाजे से दाखिल हो सजदे की हालत में, ये इस अमर की निशानदेही करता है कि ये फातिहाना अंदाज नहीं है, ये तायबाना अंदाज है, यानी तौबा करने की अदा बना करके तुम दाखिल हो। तो ज़ाहिर है फातह को ये हुक्म नहीं होता, फातह को तो अकड़ के चलने का हुक्म है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो रमल करने का हुक्म तवाफ़ बैतुल्लाह के गिरद गिरद फरमाया, कहा कि तुम इस वक्त काबे शरीफ के पास जा रहे हो, तवाफ़ बैतुल्लाह करने वाले हो, तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, तुम्हें अकड़ के चलना होगा। वो रमल का जो हुक्म है वो इसी वजह से है कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत का मुजाहरा करना होता है, आजी का मुजाहरा नहीं करना होता।
यहाँ जो दाखिले का वक्त है मालूम होता है, जैसा कि बाबुल हित्ता बैतुल मक़दस के अंदर एक जगह है जिसको कहते ही बाबुल हित्ता है, पता चलता है कि ये जनाब यूशा बिन नून का वक्त है और उनके ज़रिए से कौम दाखिल हो रही है। और पीछे जो ख़ता करके आए हैं कि एक नबी को कहा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिदन, हम एक तुआम पर सब्र नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा ये कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का इरशाद था कि तुम ये जो खाना आता है रोज़ाना पाबंदी के साथ तुम्हारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आता है, जो खा सकते हो वो खा लो, लेकिन कल के लिए ज़खीरा करने की इजाज़त नहीं। तो उन्होंने कौले पैगंबर के बाद उसमें इज्तिहाद किया। ये मसला इज्तिहाद पर बहस है आल इल्म के नज़दीक, ख़ास तौर पर उसूलियों के नज़दीक और उलमाए अकायद के नज़दीक, कि इज्तिहाद का दायरा क्या है। कजद किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा, ये तीनों इदारे इस बारे में खामोश हों तो उस बारे में इज्तिहाद होता है। नस रसूल के खिलाफ इज्तिहाद करने का न पहली उम्मतों को हक था न इस उम्मत को हक है। अगर कोई बात सरकार दुआलम अलैहिस्सलाम ने किसी बात का फैसला कर दिया है कि ये बात यूं होगी, इसका ये मर्तबा होगा, इसकी ये शान होगी, तो बाद में उस पर इज्तिहाद करने का, उसमें इज्तिहाद करने का किसी को राइट नहीं। अगर किसी मामले में आले इल्म ने यह तस्लीम किया ये मसला इज्तिहादिया है, जहाँ उन्होंने मसला इज्तिहादिया होना तस्लीम किया है वहाँ उन्होंने ये बात मान ली है कि इसमें किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा के ज़रिए से साबिका कोई फैसला नहीं हो चुका, वो नहीं हो सका, इसलिए इसमें इज्तिहाद नाफिज किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ उनका इज्तिहाद इज्तिहाद न कहलाया बल्कि इल्हाद और बदअकीदगी कहलाई, इसलिए कि उन्होंने कौले पैगंबर के खिलाफ किया था। मगर सजदे की हालत में दरवाजे के अंदर दाखिल होना, इससे पता चलता है कि ये मकाम मकाम मुकद्दस है और मकाम मुकद्दस के तकद्दस को कबूल दुआ में दखल है, इसलिए उनको कहा बैतुल मक़द्दस शरीफ में दाखिल होने लगे हो तो हित्तन कहो, हमारी दरख्वास्त तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी है। तो ये मौका बतलाता है कि जिस वक्त कोई बंदा तौबा करना चाहे तो मकामात मुकद्दसा की तलाश करे और आजाना हालत बना करके वहाँ हाजिरी दे, तो इसको कबूल दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा दखल है। ये जो अलबाब का लफ्ज़ आया हुआ है, आले इल्म ने इससे इस्तदलाल किया है कि मकामात मुकद्दसा को कबूल दुआ में दखल है। और ये बात पीछे से चली आई, आके कहा कि अब मेरी ख़ता माफ़ करो, हमारी ख़ताएं माफ़ फरमाओ परवरदिगार। जो परवरदिगार दरवाजे के अंदर तौबा कबूल कर सकता था वो बाहर भी तो कर सकता था, मगर दरवाजे के अंदर दाखिल होने का हुक्म दे के तो उनको नगफिर, ये कहना कि कुल खितन के हम माफ़ी चाहते हैं, हम अपने हमारी दरख्वास्त मसअलतुना हित्तुन, हमारी दरख्वास्त अपने गुनाहों की माफ़ी है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये जुमला उनके दाखले के साथ साथ कहलवाने का मकसद यह है कि गिरदा गिर्द अम्बिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, तो उनके मज़ारात के तकद्दस और बरकत की वजह से तुम्हारी तौबा कबूल कर ली जाएगी। आगे यहाँ ये बतलाया था कि उस कौम ने बजाय इसके कि वो कलिमात कहते जो नबी उनके अपने नबी ने उन्हें बताए थे, ख़ा वो मूसा अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए हों या यूशा बिन नून, लेकिन बैतुल मक़द्दस के दाखले का जो करीना है ये बतलाता है कि ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद जनाब यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की हदायत पर ऐसा किया गया, लेकिन उन्होंने बात को बदल दिया। जो बात उनसे कही गई थी उसके उलट बात की, वो क्या थी, रब ने कहा था हित्तन कहो, उन्होंने के खिनतन कहा, हम गंदम मांगते हैं। तो ये अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाना, नबी की तालीम की न सिर्फ मुखालफत करना बल्कि उसके अंदर मजाया अंदाज होना, ये परवरदिगार आलम की तरफ से नज़ूल अज़ाब का ज़रिया बना। और अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़अनज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज़्ज़मिन समाए, जिन्होंने जुल्म किया था उन पर आसमान से हमने अजाब इलाही नाजिल फरमाया। हालांकि ये पीछे जो बात गुजरी हुई है ये उन्हीं का जिक्र है, फ़अनज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू, फिर दोबारा ये कहने का क्या मकसद है,
इसमें ज़मीर की बजाय इसमें ज़ाहिर का ज़िक्र करना, इसका कायदा क्या है कि जिस वक्त साबका कलाम में उनकी एक ख़ास सिफत का एक फ़ेल के ज़रिए से ज़िक्र किया गया, उसके बाद नज़ूल अज़ाब का ज़िक्र किया, तो उसूलियों के नज़दीक ये बात साबित होती है कि नज़ूल अज़ाब का ज़रिया उनका ज़ुल्म था। उनकी सिफत का पहले जिक्र करना, उनके इंजाम का बाद में जिक्र करना, ये इस अमर की शहादत है कि नज़ूल अज़ाब में उनकी इस सिफत को सही तौर पर दखल है, यानी जो उन्होंने जुल्म किया, नबी की तालीमात के खिलाफ कहा, उसी की वजह से उन पर अज़ाब इलाही आया और वो ताऊन आई। बाज़ आलिम ने कहा 24,000 बंदा एक दिन मर गया, बाज़ ने कहा 70,000। तादाद से हमारा कोई मकसद नहीं, जिन्होंने 24 लिखा है उन्होंने भी ठीक लिखा है, जिन्होंने 70,000 लिखा उन्होंने भी ठीक लिखा। मकसद ये है कि इससे जो हमें इबरत हासिल करनी है वो ये है कि जिस वक्त कोई कौम अल्लाह ताला की तालीमात और अपने रसूल की तालीमात के खिलाफ किया करती है वो सज़ा पाया करती है। आज हमें इस मौके पर अपने आप को चेक करना होगा कि हम जिस नबी के कलिमा गो हैं, जिस नबी के उम्मती कहलाते हैं, उस नबी की तालीमात पर हम कितना सारा अमल करते हैं। अगर हम उन तालीमात का मजाक उड़ा रहे हैं तो जो खुदा का कानून मुकाफात है वो आज भी उसी तरह मुतहरिक है, आज भी उसी तरह अमल करता है। अगर हम अल्लाह की बारगाह में अंबिया मुरसलीन की तालीमात को सीखने के बाद और बिलखसूस जो हमारे नबी की तालीमात हैं उनको पूरी तरह जानने के बाद, जिनके मानने और उस पर अमल करने की हमने पाबंदी का वादा किया है, अगर उसके खिलाफ करेंगे तो फिर हमें खौफ अजाब होना चाहिए। हम परवरदिगार आलम के बंदे होने की हैसियत से महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होने की हैसियत से इस बात के पाबंद हैं कि सरकार की तालीमात को पूरी तरह से अपनाएं। अब जिस तरह ये बाकी वाकयात उनके बयान किए हैं उनमें से एक और वाकया भी बनी इसराइल का जिक्र किया है, तो ये उस तरतीब से नहीं है जिस तरतीब से तारीखी तौर पर ये वाकयात वकू पजीर हुए, बल्कि कुरान मजीद ने उन वाकयात को तारीखी गर्ज से बयान नहीं किया कि तरतीब तारीखी को मलहूज रखता, बल्कि कुरान मजीद ने उन मसाइल को हदायत और पंदो नसीहत के अंदाज में बयान किया है। तो जिन जिन नुकात से, जिन जिन हकायक से हदायत मिल सकती थी, इबरत मिल सकती थी, आदमी कोई सबक हासिल कर सकता था, उन वाकयात को जुदा करके उस तारीख के हिस्सों से अलग करके उनको निखार के बयान किया है ताकि मुसलमान अच्छी तरह से ये समझ पाए कि उम्मतों के उरूज व ज़वाल का राज अम्बिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना या छोड़ना है। अगर नबियों की तालीमात पर पूरी तरह से अमल करेंगे तो उनको अल्लाह और उसके रसूल के फजल से हमेशा कामयाबी हासिल होगी, जैसा कि कुरान खुद कहता है ला तहिनू वला तहसनू व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम गम भी ना खाओ सुस्त भी ना हो, तुम हमेशा गालिब रहे हो, शर्त यह है कि तुम्हारा अकीदा सही है, तुम मोमिन हो। अगर सही अकीदा हो तो तुम्हें हमेशा कामयाबी रहेगी। ये वजह है कि उलमाए हक ने आज तक हर चीज़ के मुकाबले में अकीदा सहीया पर जोर दिया है। जब अकीदा सही हो जाए तो अमल सही हो जाना चाहिए, जैसा कि आले सुन्नत के उलमाए किराम ने इस बात का दर्स दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर है। अब हाजिर व नाजिर के अकीदे का जो मुफाद है अमलन वो ये बनता है, जिसका ये अकीदा हो मेरा नबी मेरी इस सूरत हाल को देख रहा है, तो उनके देखते हुए और उनके जानते हुए बरमला तौर पर उनके कानून की मुखालफत करे, ये तो बड़ी मुनकराना किस्म की जुरत है। जिसका ये अकीदा हो कि नबी मेरा हाजिर भी है और नाजिर भी है, उसको तर्क सुन्नत की भी कभी जुरत नहीं करनी चाहिए, उसको किसी छोटे मोटे गुनाह की भी कभी जुर्म नहीं करनी चाहिए। और जो कबायर हैं जिन पर इंसान मुकम्मल तन्हाई के बगैर कादिर नहीं होता, उसको पता होता है, उसको पता होना चाहिए ये तन्हाई और लोगों के मुकाबले में है। जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा हुआ है
उस नबी की निगाहों से कायनात की कोई हकीकत ओझल नहीं है। इसलिए मैं ये जो तनाई में जुर्द कर रहा हूँ ये मेरे ईमान के मुनाफी है, मुझे इससे बाज आना चाहिए। सेहत अकीदा को सेहत अमल में दखल है। कुरान कहता है वह इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़्रिब बिअसाकल हजर, बनी इसराइलो उस वक्त को भी याद करो जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने उनसे कहा कि आप पत्थर पर अपने लाठी की चोट मारें, अपने लाठी मारें। इस जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी मुखातब हो सकते हैं कि ऐ प्यारे वो वक्त याद कर, और इससे मराद बनी इसराइल भी हो सकते हैं क्योंकि साबका कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है सियाको सबाक रांदशे कलाम में ये बात करीने के तौर पर ज़्यादा करीब पड़ती है कि इससे बनी इसराइल मुखातब हों। यानी ऐ बनी इसराइलो ये तो अभी कल की बात है, तुम्हारे रिकॉर्ड में ये बात बरमला तौर पर और बैन अल्फाज में मौजूद है कि तुम्हारे नबी ने 6 लाख बंदों के लिए पानी मांगा था और हमने ये कहा कि तुम अपनी लाठी पत्थर पे मारो तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरत। यहाँ लाठी मारने का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने मारी, बल्कि कहा फौरन उसके 12 चश्मे बह निकले। इससे पता चलता है उन्होंने मारी, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक उसकी तामील की। इस पत्थर के बारे में अल हजर में आले इल्म के मुतद्दद मज़ाहिब हैं। एक तबका कहता है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ये मुकाब शक्ल का, यानी क्यूबिक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्यूबिक शक्ल का एक पत्थर बहुकम खुदाबंदी उठा के लाए थे कोहितूर पर से। एक तबके का ये ख्याल है कि जिस वक्त हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कौम ने एक मर्दाना बीमारी से ऐबदार होने का इल्ज़ाम दिया तो अब वो ऐसी सूरत हाल थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की शान के ये बात खिलाफ थी कि आप उनको उरिया होकर के उस अपनी सेहत और सफाई का सबूत पेश करते। तो एक तबका कहता है जिस वक्त आप गुसल फरमाने लगे जिस पत्थर पे आपने कपड़े रखे वो पत्थर आपके कपड़े लेकर के चल दिया और जिस जगह कौम इकट्ठी थी वहाँ तक वो ले गया और कौम ने अपनी आँख से देख लिया कि हम जो कोई बदतमीज़ी की बातें करते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बेबुनियाद है। और तीसरा तबका कहता है कि इससे मुराद कोई ख़ास पत्थर नहीं बल्कि किसी पत्थर से भी मुराद है, लेकिन ये बात ज़्यादा करीन कयास है कि नबी अपने एजाज को ज़ाहिर करने के लिए कोई किसी ख़ास चीज़ का पाबंद ना हो बल्कि नबी के दस्ते एजाज में अल्लाह ने यह कुव्वत रखी हो जिस पत्थर को भी मारे उस पत्थर से पानी के चश्मे बह निकले। इस जगह हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पानी अपनी कौम के लिए मांगा था, ज़र्ब एक मारी तो चश्मे 12 निकले। उसके मकाब शक्ल होने की सूरत में चारों तरफ जो उसका एक एक पहलू था उसमें 3-3 चश्मे जो है वो फूट निकले। तो ये इस वजह से अलग अलग चश्मे परवरदिगार आलम ने अता फरमाए कि कसीर तादाद में इश्तबा होने की वजह से कौम में पानी लेने की बारी में झगड़ा हो सकता है, इसलिए हर एक कबीले को चश्मा ही अलग अता फरमाया ताकि आसानी के साथ वो सारे मामलात को मैनेज कर सकें, तरतीब दे सकें। अपने कबीले के आदमी के साथ अगर कोई कमी बेशी हो जाए हो भी जाए तो आदमी उसको अपने कबीले की चीज़ कबीले का शख्स समझ के उसको बर्दाश्त भी कर जाता है। इस वजह से हर कबीले का चश्मा अलग पैदा किया। उसके मुकाबले में महबूब किबरिया सैयद हरदोसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया, आप उम्र शरीफ पर जा रहे थे और दुश्मनों ने रास्ता घेर के आपसे इख्तलाफी मसाइल ज़ेर बहस ला के सरकार के रास्ते में रुकावट खड़ी की तो सहाबा किराम के पास जो पानी के ज़खायर थे वो ख़त्म हो गए, काफ़ी देर तक वहाँ ठहरना पड़ा। तो इस वजह से सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह न पानी पीने के लिए है, न वज़ू के लिए है, न नहाने के लिए है, न जानवरों के पिलाने के लिए है, तो अब क्या करें। उस वक्त हुज़ूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपना हाथ
वजू का लोटा जो था उसके बचे हुए पानी में सरकार ने अपना हाथ डाला, तो हाथ डाल दे गए तो पांच चश्मे ऐसे उभरे कि 1400 आदमी से ज्यादा जो गालिबन 1500 के करीब हुआ होगा, सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अजमाईन ने उससे पानी पी भी लिया और पानी के बर्तन भी भर लिए, जानवरों को भी अच्छी तरह से पानी पिला लिया। अब एक मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी की जरब से निकलने वाले चश्मे हैं और एक हजरत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकलने वाले पांच चश्मे हैं। अब दोनों का अगर मुवाजना किया जाए, पत्थर के अंदर तो पानी के माने इर्तिफा होने की वजह से पानी का वजूद पाया जा सकता है, मगर उंगलियों के साथ तो किसी तरह का पानी का कोई रिश्ता नहीं। उसमें से पानी का उभरना ये मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के मुकाबले में इंतहाई मुमताज़ किस्म का मौजज़ा है। और दूसरी तरफ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी थी तो एड़ियाँ रगड़ने से पानी के चश्मे बह निकले थे, उस पानी की भी बड़ी शान बनी है। इस जगह आल इल्म मुआजना करते हैं, कहते हैं कि वो आबे जमजम अफसरा या सरकार की उंगलियों से निकला हुआ पानी अफसरा, कौन सा पानी अफसरा? कहते बुनियादी फर्क उसमें यह है कि वो एड़ियों के जरिए से निकला हुआ है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगलियों से निकला हुआ है। जितना एड़ियों और उंगलियों में फर्क हो सकता है उतना इन पानी दोनों पानियों के दर्जे में फर्क हो सकता है। फिर ये कि वो एड़ियां रगड़ने से जमीन से निकला है और यह सरकार के हाथ लोटे के अंदर रखने की वजह से सरकार की उंगलियों से निकला है, तो जितना सरकार की उंगलियों में और एड़ियां जमीन पर रगड़ने में फर्क है उतना इन दोनों पानियों में फर्क है। और फिर ये कि आला फरमाते हैं जब सैयदा हाजरा ने उस पानी को देखा था तो पानी के गिरदा गिर्द बाढ़ बना रही थी और फरमा रही थी जम जम रुक जा रुक जा। आला हज़रत फरमाते उधर जम जम है तो इधर जम जम है, उसमें जम जम है कि थम थम, इसमें जम जम है कि बेश, उसमें जम जम है कि थम थम, इसमें जम जम है कि बेश, कसरते कौसर में जम जम की तरह कम कम नहीं। और फिर उसमें कमाल की बात यह है, आज सहराए सीना में वो पत्थर मौजूद है लेकिन पानी के फैजान की वो हैसियत आज जिंदा नहीं है, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पानी के लिए लोटे में हाथ रखा था, आज आप अगर मक्के जद्दे में जाने का इत्तेफाक हो तो ऐनुल अज़ीज़िया के नाम से एक पानी है, 14 किलो के फासले पर उसका दफ्तर है, वो जर्मनों ने पानी दरियाफ्त किया है और जर्मनों की तहकीक है कि पूरी रूए ज़मीन पर इतना सेहतमंद और इतना फरहत अफजा कोई दूसरा पानी नहीं है। लेकिन तहकीक करने पर पता चला कि ये वही जगह है जैसे कि सरकार ने लोटे के अंदर पानी के चश्मे बहाने के लिए अपने पांच उंगलियां डाली थी। मालूम हुआ कि वो मदीने वाली सरकार का जो फैजान है वो आज भी जिंदा है और दुनिया भर के हाजियों को भी फायदा दे रहा है और जद्दे के बाशियों को भी वो फायदा पहुंचा रहा है और उसकी सेहत की हैसियत जो है वो दुनिया के हर पानी के मुकाबले में ज्यादा उम्दा है। कुरान कहता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, उससे 12 चश्मे बह निकले, कद अलीमा कुल्लू उनासिम मशरबहुम, तो हर हर कबीले को पता चल गया कि ये हमारा चश्मा है ये तुम्हारा चश्मा है। फिर आइंदा फसल खुसूमात के लिए झगड़ों के निपटाने के लिए कोई दिक्कत पेश ना आई, क्योंकि हर एक कौम अपने अपने चश्मे को इस्तेमाल करने की मुजाज थी और दूसरे के अंदर मुदाखलत करने का उसे कोई हक नहीं था। कुरान बयान करता है कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, जिस वक्त हमने ये पानी अता फरमाया, मन्नो सलवा पहले अता फरमा दिया था, उसके बाद हमने कहा अब जमीन में फसाद मचाते नहीं फिरना। ये कितनी इबरतनाक जिंदगी उस कौम की कि कल तक तो वो एक ऐसी जालिम कौम के गुलाम थे जिनके सामने सुबह शाम उन्हें खुदा समझ के सजदे करना पड़ते थे और अपनी चॉइस और अपने इंतखाब का कोई खाना नहीं खा सकते थे, बल्कि अपनी गवर्नमेंट जो है वो जो भी तजवीज़ करती उसके मुताबिक खाना खाते। आज काम कोई नहीं है, खाना ही खाना है। एक नबी की तालीबात के
मुताबिक इबादत करना है। बंदे की इबादत करते रहे तो नहीं घबराए, नाने जवी पर गुजारा करते रहे तो नहीं घबराए, दुनिया भर की लेबर की तो नहीं घबराए। आज नाजो नेमत में लोट पोट हो रहे हैं, लेकिन आज उनको बहाने सूझ रहे हैं। पैगंबर ने कहा तुम्हें जहाँ से निजात दिलाता हूँ, अपने वतन तुम्हें पहुँचाता हूँ, और तुम्हें आज़ादी की दौलत से माला माल करता हूँ वो फजल इलाही, मगर ये कौम ना तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकी और ना पैगंबर की तालीमात पर अमल पैरा हो सकी। अल्लाह करीम फरमाते हैं वह इज़ कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिदिन, ये भी तुम्हारी शोखिए गुफ्तार काबिले बुलाजा है कि तुमने पैगंबर के हुजूर खड़ा होकर के कितनी जुरत से बात की। हलवा तेरे तुम्हारे मुँह में है, बटेर का गोश्त तुम्हारी हलक से उतर रहा है, और वो पानी जो इंतहाई खुशगवार पैगंबर के लाठी की बरकत से एक पत्थर से निकला, जहाँ पानी नाम तक को भी था, सहरा था, लको दक बियाबान था, उसमें वो पानी तुम्हें दिया गया जो दुनिया का अजीम तरीन पानी था, और फिर बादलों के सायबान बना दिए, और तुम्हारे कपड़े कभी मैले न हों, तुम्हें सेहत की फरावानी के साथ माला माल किया गया, लेकिन तुमने किस कदर कोताही का इर्तिकाब किया कि तुमने पैगंबर के हुजूर खड़ा होके सीने तान के कहा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिदिन, एक ही किस्म का खाना खा खा के तंग आ गए हैं, हम इस पर को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह महबूब किबरिया के गुलामों, सरकार के हुजूर में खड़े होकर उन भूखे सहाबा ने कभी शिकायत नहीं की या रसूलल्लाह कई दिन हुए खाना नहीं मिला, फाके काट रहे हैं। वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, यहूदा ने मदीना ने उनको बेटियों की पेशकश की, रुपये पैसे सरमाए और सहूलतों की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ठोकरों से उसे नवाजा। उनका जाओ चले जाओ, हम सरकार के गुलाम हैं, सरकार की गुलामी में भूखे तड़प के मर जाएंगे, लेकिन मत तड़पना देख कर खंजर तले ऐसा दे दिल, इश्क के मकसल में दस्तों पा हिलाना है मना, बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना, और इस कफस के कैदियों को गुल मचाना है मना। इन हालात से गुजरे, बुखारी शरीफ के अंदर किताब सलात के अंदर मबाइस आती हैं कि सहाबे किराम बाद में आने वाले औकात में एक दूसरे से पूछा करते थे उस वक्त तेरे पास दो चादरें हुआ करती थी, यानी दो चादरों का मालिक को इक्का दुक्का आदमी होता था, जिसने मुहाजरीन से एक चादर कमर से बांधी हुई है और सामने से उसको क्रॉस करके उसके दोनों पल्लू गर्दन पे बांधे हुए हैं, दरख्तों के पत्ते खा के दिन रात गुजार रहे हैं, और उस हालत में दुश्मनों के झमकटे चारों तरफ से पर तोले हुए हैं, और हमारी सारी किताबों ने यह बात लिखी है, सीरत इब्ने शाम ने लिखी है, और इब्ने खुलदून ने अपनी तारीख में लिखा है कि सहाबे किराम हथियार पहने हुए लेट जाते थे, वही हथियार पहने हुए उठ जाते थे, यानी वहाँ माँ वक्त मुसल्ला रहते थे। लड़ाई का खतरा हर वक्त है और खाने पीने की तवक्को किसी वक्त भी नहीं है। ऐसे हालात के गुजर के उन्होंने अल्लाह की रजा पर राजी रहने का मुकम्मल सबूत मुहैया किया। इस एतबार से इस कौम को कहा गया कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम्हारे जोड़ की कोई कौम दुनिया में न गुजरी है, आइंदा तो आने का चांस नहीं है, क्योंकि सरकार पर नबूवत खत्म हो गई है, न कोई नया नबी आएगा और न कोई नई उम्मत दुनिया में पैदा होगी। तो अल्लाह करीम कहते हैं कि तुमने किस कदर गुस्ताखी की है, क्या गुस्ताखाना लहजा था और किस कदर हतक आमेज अंदाज था कि पैगंबर के मुकाबले में सीना तान के खड़े होकर कहते हो हम तो एक खाने पर कभी इक्तफा नहीं कर सकते, अब रब से कह के वो हमारे लिए निकाले। अब रब के लिए भी शर्तें हैं, रब जमीन की पैदावारें हमारे लिए मुहैया करे, लेकिन वो कौन कौन सी हों, वो सब्जियाँ हों, क्योंकि सब्जियां ये खुद काश्त किया करते थे, गुलामी के ज़माने में सब्जियों के खूगर थे, और ककड़ियां हों, खीरे हों, क्यूकमर्स हों, और गेहूँ हों, और मसूर की दाल हो, और प्याज हो, यानी बात को चटपटा बनाने का शौक उनमें उस दौरे गुलामी की यादगारों को फिर वो लौटा रहे हैं। याद रखो आज तक जिस कौम ने अपने खाने पीने में अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, कायनात में कोई इनकलाबी काम
वो कौम नहीं कर सकी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जिस वक्त मदीना तैयबा से चले, सरकार से कोई मुआहदा नहीं लिया कि वहाँ जाएंगे तो सही, खाने का क्या बंदोबस्त होगा। कहा मदीने वाली सरकार हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाएं, रही बात ये कि हम खाएंगे क्या, जो मौला ने हमारे मुकद्दर में लिखा है मुहैया होता रहेगा, खाते रहेंगे, नहीं मुहैया होगा तो सब्र करेंगे, लेकिन कभी शिकायत का जुमला जुबान पर नहीं लाएंगे। अलग करीम के पैगंबर ने कहा काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, और देखो मांगते क्या हो और छोड़ते क्या हो, छोड़ते हो तुम इस वक्त मन्नो सलवा, मांग रहे क्या हो मसूर की दाल और प्याज, ये कितना अदना किस्म का मुतालबा है और किस कदर खुद फरीबी है कि अच्छी चीज़ों से अपने आप को महरूम कर रहे हो और घटिया चीज़ों का मुतालबा कर रहे हो। अल्लाह करीम फरमाते हैं इसके लिए मन्नो सलवा के लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ चाहिए थे, वो दुआ के लिए उठे आसमान से पके पकाए खाने, पके पकाए की भी एक रवायत मौजूद है कि वो बटेर जो आते थे वो भी पके हुए होते थे, और एक तबके ने कहा कि वो जिंदा होते थे, ज़िबा करके वो पकाया करते थे। इसका जवाब यह है, तस्दीक इसकी यह है, पके पकाए हुए भी आते थे लेकिन फालतू भी आते थे कि अगर किसी का पेट ना भरे तो वो अपने तौर पर अपनी मर्जी की हद तक पका भी ले। एक सा के बराबर चार शेर छः टांग एक बादशाह खाना तो मुकम्मल फीकस के हिसाब से आता था, अगर इस पर भी किसी का पेट ना भरे तो ये जो ताज़ा बटेर भेजे अपनी मर्जी से ज़िबा करके उनको पका के खा लो। तो इस जगह कुरान मजीद ने यह बात कही है कि पैगंबर ने उनसे कहा कि अदना चीज़ बदले में ले रहे हो और बेहतरीन और आला चीज़ छोड़ रहे हो। अब किसी शहर में उतर जाओ, मिस्रन इससे मुराद या खुद शहर मिस्र हो सकता है या कोई सा भी शहर, क्योंकि इस पर तनवीन है, ये मुनसरिफ है और मिस्र जो है वो गैर मुनसरिफ है, इसलिए आले इल्म के एक तबके ने कहा इससे वो मिस्र जो फिरौन का मिस्र था बाद में मिस्र मूसा बना वो मुराद नहीं हो सकता क्योंकि वो गैर मुनसरिफ है। मगर इस जगह नावे का एक कायदा है कि जो कलमा सुलासी हो और साकिनुल औसत हो उसको साकिन पढ़ के साकिनुल औसत पढ़ के उसको मुनसर भी पढ़ा जा सकता है और उसको गैर मुनसर भी पढ़ा जा सकता है, दोनों तरह के एराब दुरुस्त है। इसलिए एराब को उज़र ठहरा के मिस्र का मुराद न लेना ये एक उज़र काफ़ी नहीं है, खा वो मिस्र हो या कोई सा मिस्र हो कोई सा शहर हो, जो मांग रहे वो मिलेगा। लेकिन अब कुरान मजीद, कुरान मजीद की पंक्चुएशन औकाफ़ और रमूज बड़े हसास किस्म के वाक़ा हुए हैं। यहाँ देखें उसलूब कलाम बदलता है, वहाँ पर परवरदिगार आलम ने यह फरमाया कि हमने ये कहा कि तुम उतर जाओ किसी शहर को, जो 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 चीज़ मांग रहे हो वो मिलेगी। आगे दुरबत अलैहिम ये अलग उनके मतलब ओपिनियन क्लाज है, उनके बारे में राय पेश की गई है, इसलिए यहाँ तुआ के शक्ल में वक़्फ़ का निशान पड़ा हुआ है, यानी यहाँ से उसलूब कलाम बदलता है। पहले रब का उनसे बराह रास्त खिताब है, अब उनके बारे में रब की रिपोर्ट है और ओपिनियन क्लास है। का दुरबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्करत वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, उनके इस अकीदे और इस किरदार ने उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी, दुनिया की जलील तरीन कौम बन गई। कल तक जिनको कहा था अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें कुल आले जहान पर फजीलत का तुर्रे इम्तियाज अता फरमाया है और तुम्हारा परचम इम्तियाज कुल अक्वाम आलम में एलानिया मुमताज नजर आ रहा है, क्योंकि तुम औलाद पैगंबर हो, या उनके अमल का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि हुक्म बनी पर मुरतब हुआ है, बनुवत नसब का नाम है कसब का नाम नहीं, यानी सिर्फ औलाद याकूब होने की वजह से तुम्हें हमने ये इज्जत अता फरमाई थी कि उस वक्त की मौजूदा दुनिया पर तुम्हें सर इफ्तिखार तुम्हारा बुलंद किया था और तुम्हें एक मुमताज़ कौम करार दे दिया था। मगर जिस वक्त तुमने याकूब अलैहिस्सलाम के अकीदे को पीठ दिखाई और अम्बिया मुरसलीन बाकी जो उनकी औलाद के लोग थे उनके साथ तुमने ज्यादतियाँ की, उनका अकीदा छोड़ा, उनका सा अमल छोड़ा,
अमल के तर्क से तो आदमी गुनहगार होता है और अकीदे के तर्क से कुफर लाजिम आ सकता है। तो ये उनका कुफर अज़किस्म अनाद था कि जानते थे, जैसा कि आगे अगली आयतों में आ रहा है, यक्तुलून अल-अंबिया यक्तुलून अन्नबीय बग़ैर हक, नबियों को कत्ल करते थे बग़ैर हक के, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम का तो कत्ल करना वैसे ही ना हक होता है, लेकिन इस जगह बग़ैर हक क्यों कहा? क्या इसकी वजह यह थी कि कानून की नज़रों में तो हमेशा कत्ल अम्बिया ना हक होता है, लेकिन इस जगह ऐसा मुमकिन था कि वो कोई ऐसी तावील रकीक करते होते कि जिसकी वजह से समझते हो कि उनका कत्ल जो है वो मुबाह है। यहाँ कुरान ने बताया कि वो खुद भी जानते थे ये कत्ल ना हक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के कत्ल को कुफर जानते हुए अनादन उनको कत्ल किया करते थे, इसलिए उनका कुफर अज़किस्म अनाद था, कुफर अनादी था। कुरान कहता है कि उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। आम तौर पर गुनहगार को तो जुर्म की सजा दी जाती है, जिल्लत क्यों मुसल्लत की गई? का जिल्लत के मुसल्लत करने की वजह इस्तिख़फ़ाफ़े अंबिया है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ उनका अंदाज़े गुफ्तगु इंतहाई हतक आमेज था, इसलिए अल्लाह ताला ने हतक को उनके गले का हार बना दिया। जिधर भी जाएं इज्जत की जिंदगी नबी से, और पूरी दुनिया में आज भी आप मुशाहदा करके देखें कि जहां कहीं भी हैं तो ऐसे उनको देखने से ही पता चलता है कि ज़ैन मुजरिमाना के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी अदाएं, चलने फिरने का तरीका वो बताता, उनके ज़मीर का हाल बतलाता है कि ज़हनी तौर पर ये आज भी शर्मिंदा है। वो दरअसल बारी ताला की बारगाह से जो उन पर जिल्लत स्टैंप कर दी गई ना, वो उनके फितरत और उनके खमीर के अंदर मौजूद है। और इसी तरह मस्करत, एक आदमी सवाल कर सकता है कि ये तीन बातें कहीं उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई और उन पर मस्करत गुर्बत मुसल्लत कर दी गई और वो गज़बे इलाही में दर आए। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया की तजारती मंडियों पर वो काबिज हैं और पूरी दुनिया में अमीर तरीन कौम माने जाते हैं। का दरअसल ये एजाज इस बात का नाम नहीं कि कोई बंदा दौलत हासिल कर ले, दौलत के होलत होते हुए भी बेआबरू होता है। जैसा आज के इस्मत फरोश लोग, उनके पास पैसे तो बेहद हैं, लेकिन पैसे बेहद होने के बावजूद इंतहाई जलील बाजार से भी गुजरे तो लोग निशानदेही करते हैं, ये इस्मत फरोश लोग हैं, ये इस्मत के बेचने वाले हैं। इसी तरीके से इनके पास दौलत होते हुए भी इन पर जिल्लत मौजूद है। कहते जी उनको बादशाह, उनकी हुकूमत बन गई है, अगर हुकूमत उनकी अपनी होती तो फिर बन गई थी। ये बरतानिया का और अमेरिका का एक फौजी अड्डा है मुसलमानों को जलील खार करने के लिए, और वहाँ का एक करीब जगह चाहिए थी जहाँ आज़ादी के साथ वो अपने तमाम फौजी कार्रवाइयों को अमल में ला सकें। इस बुनियाद पर वो उनकी हुकूमत अपनी नहीं है बल्कि वो दूसरों का फौजी अड्डा है। इस मुनासबत से गज़बे इलाही में वो यकीनन मुबतला हैं। कल तक तो ये पूरी दुनिया के फिक्री रहनुमा थे, यानी इनके सिवा किसी दूसरे आदमी की तालीमात को सोसाइटी अपनाती नहीं थी। अगर जो उनके दीन पर ना हो तो हम उनकी तालीमात को रहनुमा समझती थी। आज पूरी रुए ज़मीन पर कोई शख्स उनकी तालीमात को तालीमात कहने के लिए तैयार नहीं है, और किसी के सामने अगर वो तकरीर या आवाज़ करना चाहें को सुनने के लिए तैयार नहीं। इससे बढ़कर जिल्लत और रुसवाई और मस्कनत और गज़बे इलाही की और क्या अलामत हो सकती है? अल्लाह करीम फरमाते हैं ये सारी बातें इसलिए हुई हैं कि वो अल्लाह की आयतों से कुफर करते थे और नबियों को वो शहीद करते थे। इंशाल्लाह इसके बकिया हिस्से पर आने वाले लेक्चर में गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका खातिमा सच्चे दीन पर फरमाए और क़यामत के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफ़ात कुबरा नसीब फरमाए, और खुदा ताला तौफीक अता फरमाए कि इन बिगड़ी हुई कौमों के किरदार के उलट हम अपने नबी की मुकम्मल ताबेदारी और मुकम्मल गुलामी का सबूत अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में पेश कर सकें। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिक।